हे गाइस, काफ़ी ठंड है और हालांकि ठंड काफ़ी लोगों को विंटर काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, पर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारे बालों में, स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और इससे इसी के सारे प्रॉब्लम के बीच एक मेन मुद्दा, एक मेन प्रॉब्लम जो होता है वो होता है हमारे होठों का फटना, जिसको कि आप ड्राई लिप्स कह लो या क्रैक लिप्स कह लो। बहुतों को तो होठों से पपड़ियाँ तक निकल जाती, खून निकल आता, इतना दर्दनाक होता है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आपने इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियो देखे, पर उसने आपको काम नहीं दिया तब जाके आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि इससे आपके होठों को काफ़ी निजात मिलेगा फटने से। मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि इससे आपके होठ पिंक हो जाएंगे या लाल हो जाएंगे या गुलाबी हो जाएंगे, कलर का कोई इससे लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपके होठों को फटने से रोकेगा। मैं अगर आपको इंग्रेडिएंट दिखाऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे कि ये इंग्रेडिएंट, ये जो चीज़ है मैं जो आपको दिखाऊंगी, वो हम सबके घरों में, किचन में रहता है, लेकिन हम में से बहुतों को नहीं पता कि इससे क्या होता है। तो वो है गाइस, ये जो मैंने डिबिया में भर के रखा है, ये हमेशा मेरे पास ये डिबिया रहती है, मैं इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने रखती हूँ। ये है मस्टर्ड ऑयल, जो कि सरसों का तेल है। अब मैं इसको बताती हूँ कि यूज़ कैसे करना है। इसको आपको रात को सोने से पहले अपने जो बेली बटन होता है, जिसको कि हिंदी में नाभि कहता है, बंगाली में भी नाभि कहता है, उसको बेली बटन में इसको एक ड्रॉप डालकर और बस ऐसे ही सो जाना है। बस इसको डालने से आप, इसको एक ही प्रिकॉशन है कि आप देख लेना कि इसको आप जब डाल रहे हो तो आपका नाभि, आपका जो बेली बटन है वो गीला ना हो, मतलब उसमें पानी ना हो। आप ड्राई एरिया पे इसको इस्तेमाल करना। तो बस रोज रात को बस आपको यही एक चीज़ करनी है कि सरसों का तेल में ऐसे आपने उंगली इसमें डिप किया और आपने अपने नाभि पे इसको लगा लिया। बस इसी से आपको 2 से 3 दिन में आपके अगर बहुत ज़्यादा होठ फटते, जिसको कहते हैं कि पपड़ियाँ निकल जाती है, खून निकल आता है, बहुत दर्दनाक हो जाता है, उसके लिए तो मैं कह रही हूँ कि 2-3 दिन में आपको असर दिखेगा कि इससे काफ़ी कम होगा। और ये जो है कि अंदर से हमारा, जैसे हम सभी को पता है कि बेली बटन जो होता है ये हमारा, मतलब जीवन शक्ति जो होता है, हमें जो माँ के गर्भ में हम जब रहते हैं तो हमें यहीं से खाना मिलता है। तो हम जब इसमें से ट्रीटमेंट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाता है और काफ़ी ज़्यादा असर भी करता है। तो मैं कहती हूँ कि आप ये रेमेडी एक बार ट्राई करके देखो, सरसों का तेल। अगर आपको कम होठ फटते, जैसे नॉर्मली विंटर में होठ जितने फटते हैं, तब तो मैं कहती हूँ कि आपको पहले ही दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। पर ये नहीं कि आपने इसको 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 हफ्ता किया, फिर छोड़ दिया। इसको आपको रेगुलर करना है, आपको पूरा विंटर करना है। जैसे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, वैसे ही मेरी लिप्स भी ड्राई रहती है, तो मैं ये रेमेडी जो है मैं साल भर करती हूँ। इससे कुछ नुकसान नहीं होता, आपको एक ड्रॉप सोने से पहले नाभि में डालकर बस सो जाना है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मैं तो इसको साल भर करती हूँ। पर अगर आपको उतना होठ फटने की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विंटर में होता है, तो आप सिर्फ विंटर में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसको एक ड्रॉप आपको नाभि में रखना है और आप सो गए, कोई जद्दोजहद नहीं, कोई DIY का फॉर्मूला भी नहीं है कि आपको 5 चीज़ें मिलानी पड़ी, फिर उसको लगाओ, फिर उसको धो, फिर इसको पैक लगाओ। आई गेस कि इससे ज़्यादा सस्ता और इससे ज़्यादा, मतलब कम मेहनत में इतना ज़्यादा फल आपको दूसरे कुछ DIY में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि आप ये मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है, जो हमारे किचन में रहता है, मम्मी जो खाना बनाने में जो यूज़ करती है वही जो तेल होता है, उसको आप डालिए अपने बेली बटन में, नाभि में, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका होठ फटना कम हुआ है या नहीं। मुझे तो ये काम आता है, मैं तो जैसे कह रही हूँ कि मैं पूरा साल इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको यूज़ करो, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ पता है तो मैं चाहती हूँ कि सबको इसका फ़ायदा मिले।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको असर हुआ है या नहीं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर किसी नए रेमेडी में आसान सा रेमेडी बताती हूँ, और ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो कि मैं अपने लाइफ में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मैं ऐसी रेमेडी बताती हूँ। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। फिर किसी नए रेमेडी के साथ मैं आ जाऊँगी। फिलहाल के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।